और पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, बिहार सरकार तत्काल मदरसों पर रोक लगाए, ये कहा गया। सीमांचल की हालत देखकर लगता है कि ना धर्म बचेगा और ना धन। बिहार में लगभग 3000 मदरसे हैं, ये बात गिरिराज सिंह की ओर से कही गई है। 3000 मदरसों की जांच होनी चाहिए। गिरिराज, धार्मिक ब्रेन वॉश की जगह प्रगतिशील शिक्षा दी जानी चाहिए, ये बातें गिरिराज सिंह की ओर से कही गई है। बिहार सरकार तत्काल मदरसों पर रोक लगाए केंद्र। बिहार में अवैध मस्जिद और अवैध मदरसों की बाढ़ हो गई है। बिहार बांग्लादेश बॉर्डर और नेपाल की बॉर्डर से सटा हुआ है। इन बॉर्डरों पर तो और ज्यादा हो गया है। जो आंतरिक सुरक्षा केवल बिहार के लिए नहीं बल्कि देश के लिए खतरा पैदा कर रहा है, PFI वहां सक्रिय है। और बिहार में 18% मुसलमानों की आबादी है, और इस अवैध को बंद करके वैध मदरसों में विज्ञान की पढ़ाई शुरू हो और अवैध को तत्काल बंद करें। वोट की लालच में नीतीश जी बहुत हो गया, अब बिहार और देश के हो रहे खतरों पर भी विचार करें। अगर ऐसा नहीं किए तो आने वाले दिन में 20 साल होते होते बिहार के लोगों के धन और धर्म भी खतरे में पड़ जाएंगे, और इसके लिए दोषी आप और लालू यादव होंगे। मैं यही बार बार कह रहा हूं, आप तुष्टिकरण की निद्रा से उठें।